निवेदिता शुक्ला, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुमत के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को भले ही टक्कर दे दी हो, लेकिन दक्षिण से उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। कभी आंध्र में ताकतवर मानी जाने वाली कांग्रेस की खस्ता हालत का ही नतीजा रहा कि उसने इस बार आंध्र से अलग हुए तेलंगाना में आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। तेलंगाना गठन के पीछे के चंद्रशेखर राव की टीआरएस और कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। इसके बावजूद केसीआर को तो जनता का समर्थन इस बार भी मिला, लेकिन कांग्रेस लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने में फेल हो गई। जिस राज्य के गठन के लिए कांग्रेस ने जी तोड़ मेहनत की, उसी राज्य में कांग्रेस को महज 19 सीटें ही मिली, तो वहीं कांग्रेस की सहयोगी टीडीपी की तो इससे भी बुरी हालत रही। मोदी सरकार से अलग होकर कांग्रेस का हाथ थामने वाले चंद्रबाबू नायडू को भी जनता ने नकार दिया। टीडीपी के खाते में महज 2 सीटें ही आ सकी। ये नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस की लहर दक्षिण में बेअसर साबित हुई है। चुनाव प्रचार से अलग रहने वाली यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी कांग्रेस ने तेलंगाना भेजा। यहां तक कि 7 दिसंबर को वोटिंग के दिन भी सोनिया गांधी से अपील करवाई गई, लेकिन ये सब हथकंडे फेल साबित हुए और आखिरकार तेलंगाना की सत्ता फिर से केसीआर के हाथ में चली गई। टीआरएस ने 119 में से 88 सीटों पर जीत दर्ज की। वोट शेयरिंग की बात करें तो टीआरएस को करीब 47% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को करीब 28% वोट ही मिले। वहीं बीजेपी के लिए नतीजे कुछ खास नहीं रहे। पिछली बार 5 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार महज 1 सीट ही हासिल हो सकी।